हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। वीडियो है हाउ इंडिया डिस्ट्रॉयड कैनेडाज खालिस्तानी प्रोपोगंडा अगेन, कैनेडा वर्सेस इंडिया एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है, उसको भी देख लेना। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो खालिस्तानी हैं, जब कनाडा में सेटल हुए तो पंजाब और पाकिस्तान से कनाडा में ड्रग ट्रैफिकिंग में भी काफी एक्टिव हुए, तो और इस काम में काम भी गंदे। पाकिस्तानी आईएसआई से भी बहुत सपोर्ट मिला। इसमें गैंगस्टर्स बिंदी जोहाल और जिमी दोसांझ जैसे कई गैंगस्टर्स इनिशियली इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद कई गैंग्स भी शुरू हुए, जैसे की थक दुहरे, संघेरा, मल्ही बुत्तर और कांग गैंग्स। और आपको बता दें कि कनाडा में 2006 से लेकर 2021 तक गैंग वॉर्स या पुलिस ऑपरेशंस में जितने भी गैंगस्टर्स मारे गए हैं उसमें 20% से ज्यादा पंजाबी ओरिजिन के। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि ये क्रिमिनल्स जो हैं ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट होने का नाटक करते हैं ताकि इनको कैनेडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले और उस सपोर्ट का नाजायज फायदा उठा के ये अपना ड्रग स्मगलिंग करते रहे। बेसिकली कनाडा में उड़ता पंजाब का सीक्वल आने वाला है, उड़ता कनाडा। 2021 में टोरंटो पुलिस ने 20 पंजाबी ओरिजिन गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया था, जिनके थ्रू कैलिफोर्निया और इंडिया से आए हुए ड्रग्स कनाडा में पकड़े गए थे, जिसमें 450 किलोग्राम ऑफ कैलिफोर्निया, 182 किलोग्राम ऑफ क्रिस्टल मेथ, 430 किलोग्राम ऑफ मैरिजुआना, कनाडा का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ऑक्सीकोडोन पिल्स पाए गए थे। कुछ केसेस में तो 1000 किलोग्राम से ज्यादा कोकेन पाया गया है, जिसकी स्ट्रीट वैल्यू अराउंड $61 मिलियन थी। और इन खालिस्तानियों की मदद से मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स भी अब कनाडा में अपनी ऑपरेशंस और इन्फ्लुएंस काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। और कार्टेल हालिस्को नुएवा जनरासियों जैसे कार्टेल्स ने काफी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना लिया है कनाडा के कुछ बड़े शहरों में, जैसे वैंकूवर, टोरंटो और मॉन्ट्रियल। इन कार्टेल्स ने कनाडा में काफी सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बना लिए हैं। ये कार्टेल्स जो हैं, ये लोकल गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं अपने ड्रग्स को कनाडा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और लॉन्ग हॉल ट्रकिंग कंपनीज का भी इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब देखिए, लोकल गैंग्स में तो खालिस्तानी कनेक्शन मैंने आपको दिखा ही दिया है, अब ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी खालिस्तानी कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पंजाबी प्रेजेंस है। मैंने कहा सिख पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के एस्टिमेट से अराउंड 1.5 लाख से ज्यादा सिख जो हैं ये ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली पंजाबी जो हैं वो अमेरिका के हाफ से ज्यादा एशियन ओन ट्रकिंग बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकिंग एसोसिएशन के हिसाब से कैलिफोर्निया में 40% ट्रकर्स जो हैं वो सिख हैं, और पिछले 3 सालों में तकरीबन 30,000 सिख ट्रक ड्राइवर बने हैं। अब आप खालिस्तानियों के बीच में और इन मेक्सिकन ट्रक कार्टल्स के बीच में डॉट्स को बड़ी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि खालिस्तानियों ने किस तरह से मनी पावर इकट्ठा किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में खालिस्तानी किस तरह से पॉलिटिकल पावर इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, कनाडा में खालिस्तानी जो है उन्होंने काफी बड़ा पुश बनाया है गुरुद्वारास को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट कनाडा में आज कई ऐसे गुरुद्वारास हैं जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का गढ़ बन चुके हैं, चाहे वैंकूवर हो, सरी हो। कुछ गुरुद्वारों ने तो इंडियन एनवॉयज को अपने गुरुद्वारा में घुसने से रोक दिया था, लेकिन इन्हीं गुरुद्वारा ने बड़ी खुशी खुशी पाकिस्तान के कौंसुल जनरल को अपने गुरुद्वारा में बुला लिया था। गुरु गोविंद सिंह ये सब देखते तो पता नहीं उनके मुंह से कौन कौन सी गालियां निकलती। मैकडॉनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें दिखाया गया था कि ये खालिस्तान प्रोजेक्ट किस तरह से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है, तो ये बात कोई सरप्राइजिंग तो है नहीं। अब आपको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं कि किस तरह से गुरुद्वारा उसको कंट्रोल करके खालिस्तानी कैनेडियन नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जर्नलिस्ट डगलस टॉट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि लिबरल पार्टी और एनडीपी, जो कनाडा की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके प्राइमरी सिस्टम को कैसे खालिस्तानियों ने पूरी तरह से रिग कर दिया है। कनाडा में देखिए, लोकल और नेशनल पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करने के लिए पहले एक लोकल प्राइमरी सिस्टम होता है जहां पर इलेक्शंस होते हैं, वहां पर खालिस्तानियों ने सबसे बड़ा फोकस डाला है, जिसका रिजल्ट ये है कि एक कंट्री जिसमें अराउंड 5 लाख सिख है, जो टोटल कैनेडियंस का 1% से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अराउंड 1% होने के बावजूद फेडरल लिबरल कैबिनेट में 12% से ज्यादा सिख मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन। तो देखिए, ये जो ग्रास रूट्स प्राइमरी का प्रोसेस है, ये जनरली डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ था जो कनाडा के हर मेजर शहर में है, इसलिए खालिस्तानी इतनी मेहनत करते हैं अपनी मनी पावर और अपना गुंडागर्दी पावर का इस्तेमाल करके इन गुरुद्वारों को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये गुरुद्वारा सिर्फ कल्चरल सेंटर नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सेंटर्स भी है। तो जो 10-20 लोग इन रिलीजियस सेंटर्स को चलाते हैं उनको रिलीजियस डोनेशंस का भी एक्सेस मिलता है, और वो उस एरियाज के 40-50 एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई कहां वोट करना है।
और आप शायद ये जानते होंगे कि ज्यादातर कैनेडियन सिख जो हैं वो जट सिख कास्ट से आते हैं और खालिस्तानियों में भी ज्यादातर जट सिख हैं। इस वजह से वो कास्ट मोबिलाइजेशन भी काफी इफेक्टिवली कर लेते हैं गुरुद्वारा को कंट्रोल करने के लिए, और इस वजह से वो इतने सारे खालिस्तानियों को इलेक्ट कर पाते हैं पावर में, और ट्रूडो की गवर्नमेंट में भी इतने सारे खालिस्तानियों को घुसा पाते हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रूडो 2018 में इंडिया आया था तो वो अपने साथ खालिस्तानी हरजीत सिंह सज्जन को लेकर आया था और जसपाल अटवाल नाम के एक कन्विक्टेड खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर आया था। पकड़ लेते उससे 1987 में कन्विक्ट, वही पकड़ लेना चाहिए था जैसे इंडिया आया पॉलिटिशियन के अटेम्प्टेड मर्डर के केस में। इस बात से पकड़ लेना चाहिए था, गवर्नमेंट चिढ़ गई थी, बल्कि उस समय के पंजाब के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह भी चिढ़ गए थे कि उन्होंने ट्रूडो से मिलने से भी मना कर दिया था। When I was in America and next I was to go to Canada, but this Khalistani lobby got together, all these surgeons and the others, I'm not going to meet him. और क्योंकि खालिस्तानियों का इतना outsized influence है liberal Canadian politics में, तो उनके crimes को ये जो liberal politicians हैं, वो वैसे ही ignore करते हैं, जैसे Lawrence बिश्नोई सलमान खान की apology को ignore कर रहे हैं। Indian government ने कितने reports निकाले कि हरजीत सिंह निज्जर जो है, ये खालिस्तानी आतंकी है। इसकी पूरी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की थी, एनआईए ने भी ये रिपोर्ट शेयर की थी। चार्जशीट वाज फाइल्ड इन कोर्ट बिफोर नग निज्जर वाज किल्ड आफ्टर द एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडिया। दीस चार्जशीट डिटेल्स वर आल्सो मेड अवेलेबल टू कनाडा, इज व्हाट वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट हाइलाइटेड सम पोर्शंस। इट सेज द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड द रोल ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा बेस्ड सेल्फ स्टाइल चीफ ऑफ द खालिस्तान टाइगर फोर्स, हु इज डिक्लेयर्ड ही डजंट नीड टेरर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेन कॉन्स्पिरेटर इन किलिंग्स एंड एक्सटॉर्शन ऑफ मनी टू स्ट्रेंथन द टेरर एक्टिविटीज ऑफ द केडीएफ। हरदीप निज्जर चीफ ऑफ केडीएफ हैड कंस्पायर्ड विद अदर सुधरानी टू हरदीप सिंह एंड अदर्स टू फॉर्म अ गैंग टू कमिट टेरर एक्टिविटीज ऑफ द केडीएफ। हरदीप निज्जर चीफ ऑफ वो नहीं सुधरेगा, सुधरना आ रहा है पहले सुधर गया। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को इग्नोर किया गया और कैनेडियन पॉलिटिशियंस इसको सिख लीडर बताते हैं। इनफैक्ट खालिस्तानियों ने 1980s में एयर इंडिया, क्योंकि उनकी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे मतलब बॉम्ब से उड़ा दिया था जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजंस थे। लेकिन ए, इन खालिस्तानियों को पीस करने के लिए, और बी, क्योंकि ये ज्यादातर कैनेडियन सिटीजंस इंडियन ओरिजिन के थे, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन पर हार्डली कोई एक्शन लिया। ये आज तक कनाडा में हुआ सबसे बड़ा आतंकी अटैक है। पिछले साल अकेले कनाडा में 15 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने अटैक किया। इस साल भी कैनेडियन हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने अटैक किया है। लेकिन इन सब चीजों को सीनियर यूएसए में भी कोई न्यूज आई थी कि कहीं पे यूएसए में भी हिंदू टेंपल पे किया किसी ने, ऐसे निकाले जाते हैं जहां पर इंडिया के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को सपोर्ट किया जाता है और ग्लोरीफाई किया जाता है। इस तरह से आतंकियों को अपीस किया जा रहा है कनाडा में। माइकल रूबिन, जो कि एक सीनियर फेलो है एट द अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट और जो एक फॉर्मर पेंटागन ऑफिसर भी रह चुका है, उसने बताया कि किस तरह से खालिस्तानियों के साथ कनाडा वैसे ही अपीस कर रहा है जैसे अमेरिका ने तालिबान मुजाहिदीनों को अपीस किया था और कितनी बुरी तरह से वो फिर अमेरिका पर बैकफायर हुआ था। From an American perspective, ये भी हमने देखा है, Canadians पूरा देखा हमने, वो भी देखना। Isn't much different from what the Pakistanis accused the United States of doing when we killed Osama bin Laden. And you know what? Maybe the question the Pakistanis should have asked is why were we harboring a master terrorist? And the fact of the matter is, Canada, through initially fraudulent immigration chains and then chain immigration, has set itself up to be a money laundering and terror financing, terror supporting hub. ये भी बहुत अच्छी इंटरव्यू थी इंडियन माइकल वॉरग में ना, दोनों इंटरव्यूज। आपके पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, एक दिन आपको भी काटेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे खालिस्तानी ड्रग्स कनाडा में स्मगल कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ कैनेडियंस तक पहुंच रहे हैं। साथ ही गैंग वायलेंस भी कैनेडियन स्ट्रीट्स पर फैलती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब कोई नॉन ब्राउन कैनेडियन किसी ड्रग ओवरडोज से मर जाए या फिर कोई नॉन ब्राउन कैनेडियन पंजाबी गैंग वायलेंस में मारा जाए। तब कनाडा को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उन्होंने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस तरह से ट्रूडो के जो अखरोट हैं वो बेसिकली खालिस्तानियों के हाथों में है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि ट्रूडो इस समय पर इंडिया से इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहा है, ये समय ही क्यों चूज किया उसने। देखिए, इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। एक रीजन बहुत ऑब्वियस है, लेकिन दूसरा रीजन काफी शॉकिंग है। तो जो ऑब्वियस रीजन ये है कि ट्रूडो बेसिकली एक दूसरे देश के साथ क्राइसिस क्रिएट कर रहा है अपने खुद के फेलियर को हाइड करने के लिए। इप्सोस पोल आया है कनाडा में जिसके मुताबिक सिर्फ 25% कैनेडियंस ये मानते हैं कि ट्रूडो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है।
जबकि उसका जो मेन कंपेटिटर है कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिएव उसको 44% सपोर्ट मिला, यानी ट्रूडो का ऑलमोस्ट डबल। उसके ऊपर से ट्रूडो के जो सपोर्टर्स हैं वो भी अब देखिए मजाक का सब्जेक्ट बन चुके हैं, रिपोर्टर्स हंस रहे हैं उनके ऊपर। एंड वी ऑल नीड टू बी यूनिफाइड एज कैनेडियन, वही होगा, ऑल ऑफ अस हैव टू बी यूनाइटेड इन डिनाउंसिंग मोदी and making sure we protect Canadians and put their safety first and foremost. Thank you so much. I'm saying whether or not you've had personal contact. What do you mean to be saying that? You're open that assumption. What are you, Pongal? Yeah, he's gone. Yes, but come easy to tell her, yeah? Also, that's still not how it works. Yeah. We can't just go online. इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि कनाडा में हो रही मेजर हाउसिंग क्राइसिस। ट्रूडो की पार्टी हाल में ही मॉन्ट्रियल और टोरंटो में हुए बाय इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से हारी है। क्वेबेक के जो सेपरेटिस्ट हैं वो फिर से सेपरेटिज्म की डिमांड मांग रहे हैं ट्रूडो से। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ट्रूडो की ऑपोजिशन में, उनके 2025 इलेक्शन के ओपिनियन पोल्स में बहुत बड़ी लीड है ट्रूडो के ऊपर। और ट्रूडो का जो सबसे बड़ा एलाई था जगमीत सिंह, उसने पिछले महीने ही अपना सपोर्ट हटा लिया है ट्रूडो से। और एक और बड़ा एलिगेशन इस आदमी के ऊपर लगा है जो कि ट्रूडो के ऑपोजिशन लीडर ने लगाया है कि ट्रूडो ने चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प ली थी पिछले दो इलेक्शन जीतने के लिए, जो कि एक बहुत ही संगीन आरोप है। बेसिकली ये देशद्रोह का आरोप लगाया गया है इसके ऊपर, जिसके लिए इसको जेल भी हो सकती है। इसी वजह से तो ट्रूडो के खुद के पार्टी के मेंबर्स उसको रिजाइन करने को कह रहे हैं। For weeks now, Liberal MPs have been privately venting their frustrations with Justin Trudeau, telling each other and leaking to reporters that there needs to be a change in the leadership of the Liberal Party. But now a veteran MP from the East Coast is putting his name and his face to the call for change in an exclusive interview with Power and Politics. और उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है इस समय पर कि उसको चाहिए खालिस्तानियों का सपोर्ट politically जिंदा रहने के लिए। He needs the Khalistanis to survive a confidence vote in his parliament. He is that weak. तो एक ऐसे time पर जब उसकी popularity all time low पर है, इस पे देशद्रोह के allegations लगे हैं, इसको जेल तक हो सकती है, इसलिए वो एक foreign देश के साथ युद्ध करना चाहता है ताकि उसके सारे प्रॉब्लम्स को लोग भूल जाएं और लोग फॉरेन देश के खिलाफ उसके पीछे यूनाइट हुए और उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ सके। उल्टा होना है। दूसरा रीजन जो उसी का बैकफायर होगा, देखते हैं इस पूरे फड्डे के पीछे अमेरिका का हाथ। And they have a problem with Narendra Modi even more since 24th February 2022 when Russia invaded Ukraine and Narendra Modi flatly refused to join the American camp. The Americans kept asking him to. हाल में ही अमेरिका ने इंडिया के साथ जो डिफेंस डील्स की थी, उन डील्स को भी डिले कर दिया गया था। He sent our national security advisor, Ajit Doval, to Paris, and we sent a message to America that we are not so dependent on them. So we dumped America, and Doval, on that recent trip to Paris, closed a similar fighter engine deal with the French. This happened on September 30th, just on September 30th. That recently, less than 2 weeks back. So Modi was outsmarting the Americans. और इस स्टेप के बाद आता है बांग्लादेश में कू, जिसमें प्रो इंडिया शेख हसीना को हटा दिया जाता है, और उसके बाद तुरंत आता है कनाडा से ये एलिगेशन, और इस एलिगेशन के फेवर में यूएसए ऑलरेडी कनाडा को सपोर्ट कर चुका है। और इस स्टेटमेंट को यूएसए के पालतू कुत्ते यानी फाइव आइज कंट्रीज, जिसमें कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं, ये सब भी इंडिया के खिलाफ कनाडा को सपोर्ट दे चुके हैं। याद रखिए, पन्नू जो एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी है जिसके साथ कैनेडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी, वो अलेजेडली एक CIA एजेंट है जिसको यूएसए से प्रोटेक्शन मिलती है। इंडियन मीडिया ने भी ये क्लेम किया है। They have no real views on Khalistan. They are simply using these CIA agent. They are using this issue to try and get strategic leverage. हाँ, तो CIA agent. Over the person they are targeting, which is Prime Minister Narendra Modi and our country Bharat. और इतना ही नहीं, और भी है। The Americans are also trying to create further trouble in our northeastern part of the country. They want to support people to create a breakaway Christian state of Kukiland. By breaking Manipur, ये तो हमने भी सुना। Targeting India's soft. और ये सब याद रखिए, इंडिया को नीचे झुकाने के लिए किया जा रहा है। इंडिया को यूके, न्यूजीलैंड की तरह यूएसए का पालतू जानवर बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इंडिया ने झुकने से साफ मना कर दिया है, and I'm proud of them. और इंडिया बेसिकली कनाडा को एक पाकिस्तान की तरह ट्रीट कर रहा है। जयशंकर ने और मोदी ने बेसिकली कनाडा को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और सिग्नल ये दिया है कि कनाडा जब तक खालिस्तानियों के साथ डील नहीं करता, तब तक हमको कनाडा से कोई बात नहीं करनी है। Wanted criminals from India. You have given them visas. The Newton's law of politics will apply there also. जयशंकर ने बस इतना स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसके खिलाफ हम कोई भी इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them, in false documentation. And yet you allow them to live there.
if you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. और अगर कनाडा इसी तरह से भारत से दुश्मनी मोल लेना चाहता है तो भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया के पास कुछ वेपन्स हैं, जैसे कनाडा को भी इंडिया पाकिस्तान की तरह एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ आतंकवाद डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया ये भी कर सकता है कि नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के साथ डील साइन करे और उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे जो नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ना चाहते हैं। Nearly a quarter million Indian students currently study in Canada. If India were to somehow pull the plug and bar Indian students from studying in Canada, it would have a devastating impact. तीसरा, करो ना यार, करना चाहिए, बोलना ठीक है, करो ना। उनके ओसीआई कार्ड्स कैंसिल किए जाएं और उनकी सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट जब्त करे। वो तो है, रातों रात आप देखना ये करना चाहिए, वेट क्यों कर रहे हैं हम? जितने खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं या उनके सिंपथाइजर्स हैं उन सबके ट्रैवल वीजा कैंसिल करो। और अगर कनाडा इंडिया पर सैंक्शन लगाना चाह रहा है तो इंडिया को भी कनाडा पर सैंक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा का, और उससे कनाडा को भी बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि इस समय पर एक बहुत बड़ा ट्रेड इंबैलेंस है इंडिया के फेवर में कनाडा का। कैनेडियन इकोनॉमी इज नॉट इन ए गुड वे राइट नाउ, इट वांट्स टू एक्सप्लॉइट मार्केट्स लाइक इंडिया विद इट्स 1.4 बिलियन पीपल एंड इंडिया ऑफ कोर्स इफ कनाडा एंड इंडिया दीस पॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू दैट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट कैनेडियन बिजनेसेस विल हेट टू मिस आउट ऑन बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडोस इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस इन इंडिया। यू पर्सनली आई थिंक हैव आल्सो पॉइंटेड आउट some of the collaborations on defense, for example. I can recall my own thing that Canada has wanted to do things like defense exercises with India that would benefit its own military. That seems increasingly difficult. You yourself have talked about, you know, the potential impact on deals like Stryker vehicle system. That's going to be something that's going to be important to look at. तो देखिए, अब वक्त आ गया है कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट में प्रायोरिटी देते हुए कनाडा के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। जो कुछ कनाडा में हो रहा है वो डायरेक्ट हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट है। कनाडा ओपनली इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपीज कर रहा है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और इन देशों को भी याद रखना चाहिए कि ये 1947 वाला कमजोर और गरीब भारत नहीं तो है। भारत वेस्टर्न देशों से दोस्ती करना चाहता है लेकिन उनकी गुलामी नहीं करेगा। आपके इशारों पर अब नाचेगा नहीं भारत। भारत आपका खिलौना नहीं है। इंडिया जैसा देश जिसको पहले भी पार्टीशन का सामना करना पड़ा है वो अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। नेशनल सिक्योरिटी और देश की अखंडता पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो यूएस ये सारा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है उसको भी ये दिखाना जरूरी है कि इंडिया बांग्लादेश नहीं है। आप हमको बुली नहीं कर सकते इस तरह से। ऐसी कोई भी आपकी कोशिश फेल होगी। और इस समय पर आप देख लीजिए कि इंडिया और चाइना ओपनली बात कर रहे हैं कि अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर बेहतर रिलेशंस डेवलप करना चाहिए। शायद अमेरिका को सोचना चाहिए कि उनके पास चाइना एक पावरफुल एनिमी ऑलरेडी है, क्या वो एक और पावरफुल एनिमी क्रिएट करना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे सिचुएशन में कनाडा के ऑपोजिशन में, अमेरिका के ऑपोजिशन में इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए यूएसए की वजह से, ताकि यूएसए को दिखा दें। चाइना ज्यादा बड़ा दुश्मन है, सबसे बिगेस्ट दुश्मन भारत का है। चाइना के साथ हुई है, यूएस के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान और चाइना है, उससे बड़े दुश्मन हमारे देश के लिए और कोई नहीं है। जिसका तो ये सोचना कि क्योंकि ये दोनों देश में इसलिए बोलती हूँ दुश्मन है क्योंकि ये हमारी ज़मीनें लेके बैठे हुए हैं। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता जो तुम्हारी ज़मीनें लेके बैठा हुआ है और उसके बाद उनकी नज़र है और हमारी अच्छे रिलेशनशिप करने चाइना से। ऐसा तो बहुत बड़ी, ये तो बहुत ही बड़ी हमारी तरफ से स्टुपिडिटी हो जाएगी कि जिसने हमारे पार्ट लिए हुए, हमारी धरती के लिए लेके बैठा हुआ है, हम उससे सोचें कि हम रिलेशनशिप्स अच्छे कर लें फॉर वॉट एवर रीजन। उससे अच्छा यूएसए जैसे एटलीस्ट हमारी कोई टेरिटरी तो नहीं ली हुई, जमीन तो नहीं ली हुई। अगर बात करें थे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की तो चाइना से दोस्ती कैसे करोगे? दे हैव टेकन पार्ट ऑफ अ कंट्री। उनका बस चले तो और ले लेंगे। वो तो पूरा इंडिया की सॉवरेनिटी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बहुत, बिल्कुल नहीं एग्री करते। फिर चाइना से दोस्ती क्यों करोगे? गेट योर स्टफ बैक फ्रॉम चाइना देन वी विल से। चाहे अगर वो इतनी अगर उसको दोस्ती चाहिए तो पहले अपना हमारा कब्जे किए हुए पार्ट। यहाँ पे सिर्फ यही है बस कि आप कनाडा को इकोनॉमिकली डिफीट करिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिकली उसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करेगा तो उनकी गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी। दे हैव टू सी द पावर ऑफ इंडिया। और जैसे से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी इट विल हैपन होगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ कि इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लें, इसको जैसे कहते हैं ना गिनी पिग बनाए कनाडा को बाकी सारे देशों के ऊपर एक मैसेज देने के लिए कि आज का इंडिया ये है और ये कर सकता है,
तो अगर और किसी देश में कोई भी दिमाग में वो कीड़ा है कि हम इंडिया के ऊपर जो है दबाव डाल सकते हैं और जो है वो नहीं होगा, इंडिया बल्कि जवाब दे देगा। तो रॉक के ऑपरेशंस और इंक्रीज करने चाहिए जो इतने शातिर हों मोसाड की तरह कि आपको पता भी नहीं चले क्या हुआ। बिल्कुल, इट शुड बी सो गुड, सो गुड कि भाई वो ढूंढ रहे हैं जैसे कि इंडिया डबल डाउन कर रहा है, इंडिया बोल रहा है कि अगर तुम गलत इंसान अपनी कंट्री में रखोगे वो अनफॉर्चुनेट नहीं बचेगा। बिल्कुल, इंडिया को अननेसेसरी बखेड़े मत लाओ, अगर तुम शांत अपने अपनी कंट्री में शांति से बैठे हो नोबडी इज गोइंग टू हर्ट यू। एंटी इंडिया करते रहोगे बिना बात के, देन दे और एंटी इंडियन एलिमेंट्स को अपने देश में आके रखोगे, जब हमारी हमारी गवर्नमेंट तुमको बता रही है कि ये लोग जो हैं ये ठीक लोग नहीं हैं, इनको मत रखो, और तुम फिर भी रखोगे तो इंडिया जो है उनके ऊपर एक्शन लेगा और तुमको कोई बनता नहीं कुछ उस बारे में। उसके बाद ऑपरेशन करना, पकड़े मत जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने अच्छे ऑपरेशन होने चाहिए कि ये देश घबराए कि भैया हमारे को तो सब बुरा इंसान घबराए, जो भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, जो इंसान बुरा कर रहा है उसको घबरा, जो भाग के जा रहे हैं इंडिया से सोच के कि हम इन देशों में जाके भैया बड़े प्रोटेक्ट हो जाते हैं, भाग के जाने जाओ मगर वहाँ बुरे कार्य मत करो, वहाँ जाके रहना, और करोगे तो फिर इंडिया छोड़ेगा नहीं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।